हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। पापा ये क्या राग लगा रखा है सुबह सुबह माने कि लड़के वाले आ रहे मुझे देखने, मैं नहीं करूंगी शादी। अरे भला बिना जाने पहचाने कहीं भी किसी से भी शादी कर लूं। स्वाति बाहर गार्डन में अपने पापा को नाश्ता देते वक्त वहीं खड़े होकर एक ही सुर में ये सब बोले जा रही थी और उसके पापा हंस रहे थे। अरे भाई सुबह सुबह शांत हो जाओ बेटा, हम तुमसे बिना पूछे नहीं बुलाएंगे उसे। मैं पहले लड़के से मिलना चाहती हूँ पापा, देख तो लूं कि वो रोटी सब्जी ठीक से बना लेगा या नहीं। स्वाति ये क्या कह रही हो बेटा तुम? क्यों, वो मर्द है तो उसकी शान घट जाएगी क्या रोटी बनाने में, कभी मैं बीमार पड़ी तो? तो बेटा कुक आ जाएगी, वो अपना काम करेगा या तुम्हारे लिए खाना बनाएगा? पापा आप उसकी बड़ी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा बाबा, पहले तुम मिल लो, पसंद आए तो सीधा शादी बस। स्वाति नेचर से बहुत बातूनी थी, उसे अपनी लाइफ में हर एक चीज क्लियर चाहिए थी, फिर चाहे वो उसका बेडरूम हो या उसका होने वाला पति। अगली शाम ही वो लड़का स्वाति से मिलने उसके घर आया। बाहर एक छोटा सा गार्डन था, स्वाति वहां चाय लेकर आई और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। हाय, तो तुम ही हो जिसकी वकालत मेरे पापा 2 दिन से किए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या जादू किया पापा पर तुमने? स्वाति जी चाय में चीनी कम है। स्वाति एकदम चुप होकर उसे देखने लगी कि कैसे उसने बात काटकर शक्कर के लिए कहा। अब स्वाति चुप बैठ गई, तभी संदीप ने कहा, वैसे अगर चाय में शक्कर कम हो तो चलता है, पर एकदम फीकी हो तो कड़वाहट से जुबान का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही जिंदगी है, रिश्ते में मिठास होना बहुत जरूरी है, अगर ना हो तो जिंदगी का स्वाद भी कड़वेपन से भर जाता है। वैसे मुझे लगता है आप में बहुत मिठास है, हम पूरी जिंदगी साथ बिता सकते हैं। अगर आपको मैं पसंद आया तो, वैसे मुझे लगता है आप में बहुत मिठास है, हम पूरी जिंदगी साथ काट सकते हैं। अब अगर आपको मैं पसंद आया तो जल्दी बारात लेकर आऊंगा। इतना कहकर संदीप उस चेयर से उठा और जाने लगा। स्वाति उसे देख रही थी कि तभी संदीप ने बड़े प्यार से कहा, वैसे मुझे रोटी बनानी तो नहीं आती, पर तुम्हारे लिए सीख लूंगा। स्वाति एकदम चौंक गई और नजरें नीचे कर मुस्कुराने लगी। जाते जाते संदीप ने उसे प्यार भरी स्माइल दी। स्वाति पलट कर अंदर जा रही थी कि तभी उसके पापा ने उसे आवाज लगाई, अरे स्वाति बेटा। स्वाति के पापा जान गए थे कि संदीप के लिए वो मना नहीं करेगी, फिर भी उन्होंने एक चुटकी लेते हुए कहा, तो मैं मना कर दूं? मुझे तो बहुत बेकार लगा लड़का, थोड़ा रूड भी है ना? कोई नहीं, दोबारा कोई और लड़का देख लेंगे। तभी स्वाति बोल पड़ी, अरे क्यों, साफ शब्दों में बोला उसने, मुझे अच्छा लगा और मैंने कब कहा कि मुझे संदीप पसंद नहीं। स्वाति एकदम बोलते बोलते शर्मा गई और उसके पापा उसे देखने लगे खुशी से। स्वाति भागती हुई गार्डन से अंदर चली गई। दोस्तों लेती हूँ विदा, सुनते रहिए प्यार भरी कहानियाँ, प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।